महानगरी युवाओं के बीच मशहूर कॉफी शॉप चेन कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ सोमवार रात से लापता हैं। वीजी सिद्धार्थ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ घर से सकलेशपुर जाने के लिए निकले, लेकिन अचानक उन्होंने अपने ड्राइवर से मंगलूर चलने को कहा। अभी ये खोजबीन चल ही रही थी कि वीजी सिद्धार्थ का कर्मचारियों व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम लिखा एक खत सामने आ गया। इस खत में लिखा है कि हर वित्तीय लेन देन मेरी जिम्मेदारी है, कानून को मुझे और सिर्फ मुझे जिम्मेदार समझना चाहिए। इस चिट्ठी में वीजी सिद्धार्थ ने फाइनेंशियल स्ट्रगल और फेल बिजनेस मॉडल के बारे में लिखा है। सिद्धार्थ चिट्ठी में आगे लिखते हैं, मुझे माफ कर दीजिए उन सभी लोगों को छोड़ने के लिए जिन्होंने मुझ पर काफी भरोसा जताया था। इस भावुक चिट्ठी में सिद्धार्थ ने लिखा है कि मैं एक बिजनेसमैन के रूप में विफल रहा हूँ। मैंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आज मैंने हार मान ली क्योंकि मैं अब अधिक दबाव नहीं झेल सकता। मेरे बिजनेस पार्टनर मुझे शेयर बायबैक करने के लिए मजबूर करते हैं। मैंने एक लेन देन 6 महीने पहले ही एक दोस्त से बड़ी रकम उधार लेकर पूरी की है। एक पूर्व डीजी ने माइंडट्री के साथ डील ब्लॉक करने के लिए उनके शेयर्स को 2 बार अटैच किया, जबकि संशोधित रिटर्न्स उनकी ओर से फाइल किए जा चुके थे। सिद्धार्थ ने कहा, आईटी विभाग की इस गलत कार्रवाई की वजह से कंपनी के पास पैसों की किल्लत हो गई थी। गौरतलब है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने सितंबर 2017 में सिद्धार्थ के दफ्तर पर छापेमारी की थी। सिद्धार्थ के ड्राइवर ने बताया कि दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटेपुर इलाके में नेत्रवती नदी पर बने पुल के पास वीजी सिद्धार्थ कार से उतर गए और बोले कि वो टहलने जा रहे हैं। सिद्धार्थ अपने ड्राइवर से बोलकर गए थे कि उनके आने तक रुके रहना, लेकिन जब वो 2 घंटे तक वापस नहीं आए तो ड्राइवर ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 200 से अधिक पुलिसकर्मी और गोताखोर 25 नावों के जरिए उनकी तलाश कर रहे हैं। सिद्धार्थ की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लापता होने से पहले उन्होंने किस किस से फोन पर बात की थी। इस बीच बीएस येदुरप्पा बेंगलुरु में एसएम कृष्णा से मिलने उनके घर पहुंचे और उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार भी कृष्णा के घर पहुंचे। अपने फाउंडर के लापता होने की खबर कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी अभी भी योग्य लीडरशिप के हाथ में है, जो सीसीडी के बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। सिद्धार्थ के लापता होने की खबर से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। शेयर मार्केट के खुलते ही कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर 20% लुढ़क गए।